जगह है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको इकरा और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज्जज मोहतरम मेहमानों को खुश आमदेद। दोस्तों के लिए तोहफा भेजा है गोफी जिमसिम चियोस्टिक ने। गोफी जिमसिम चियोस्टिक, सवाल है कि नमक का कीमियाई नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जवाब दुरुस्त है। तशरीफ ले आए जी। गोफी जिमसिम चियोस्टिक ने एक तोहफा और भेजा है आपके लिए। गोफी जिमसिम चियोस्टिक पूछते हैं, बहरिया के जहाज के कमांडिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? कैप्टन जी। सुन लीजिए, बहरिया के कमांडिंग ऑफिसर को कैप्टन कहा जाता है। तशरीफ ले आए। गोफी जिमसिम चियोस्टिक का ये लिफाफा बड़ा, ये आपको मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। और छोटे लिफाफे में आपके लिए कैश है, वो कैश भी आप साथ ले जाएं, आपके लिए भी जी। जी साहब, आपके लिए तोहफा भेजा है लासानी जो शानदार प्लस मलटी ने। कहते हैं कि 100% नेचुरल मसनूई फ्लेवर से पाक, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, जो शानदार प्लस मलठी। लासानी का जो शानदार प्लस मलठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक। लासानी का जो शानदार प्लस मलठी। लासानी जो शानदार प्लस मलठी की तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला है। और आपसे पहला सवाल है कि पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म कौन सी थी? मेरे जवाब दुरुस्त है जी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत एक जंग में शहीद हो गया था, जंग का नाम बताएं। ग़ज़वा उहद। ग़ज़वा उहद जवाब दुरुस्त है जी। अब आपकी बारी है जी। लासानी पूछते हैं कि अफलातून ने अपनी एकेडमी में दाखिले के लिए बुनियादी शर्त क्या रखी थी? नहीं, सॉरी जी। चैलेंज? नहीं सर, सॉरी। अफलातून की एकेडमी में दाखिले के लिए शर्त थी कि उम्मीदवार जो है वो इल्मे हिंसा से वाकफियत रखता हो। आपकी बारी है। रानी बाग तो अपने हैदराबाद में है, ये बताएं कि रानी खेत कहाँ है? रानी खेत बीमारी का नाम है। मुर्गियों को ज्यादा ये बीमारी लगती है जी। जवाब दुरुस्त है जी। जी आपसे सवाल है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कौन सा कागज दरामद करना पड़ता है? चैलेंज? नहीं सर, सॉरी। जजिया और खिराज में क्या फर्क है? सॉरी। चैलेंज? दराफत करना या ना दराफत करना। जजिया जाति और शख्सी टैक्स होता है, महसूल होता है, और खिराज इलाकाई यानी जमीन पर लगता है। आपसे सवाल है जी, बताइए पाकिस्तान ही के सवाल पर बर्रे सगीर के मुसलमानों ने पहला इलेक्शन कब लड़ा? 1952। हाँ जी, चलिए। 1945-46। फाइव वाला जो आप कह रहे हैं ना जी, वो मुझे उसका जरा शुबा है। बहरहाल 1946 में ये इलेक्शन लड़े गए थे जी।
आखिरी सवाल है जी आपसे कि इस्लामी कानून के चार बुनियादी माखज कौन कौन से हैं? कलेमा। हाँ, कलेमा जी, आपसे पूछ रहा हूं जी, इस्लामी कानून के चार बुनियादी माखज हैं और ये हैं, नंबर वन कुरान मजीद फुरकान हमीद। एक माखज, सबसे बड़ा माखज कुरान मजीद है, फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरा माखज है, फिर कयास है, फिर इजमा है। लासानी का बड़ा लिफाफा उनके तोहफे पड़े हैं और इस छोटे लिफाफे में कैश है, यही सूरत हाल आपके साथ है जी, ये भी साथ ले जाएं। बिस्मिल्लाह। ये आपके लिए तोहफा भेजा है वाइटल ब्यूटी सोप बनाने वालों ने। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। सवाल यह है कि खला में पहली बार नमाज अदा करने और कुरान मजीद फुरकान हमीद खत्म करने वाले शख्स का नाम बता दें। सुलेमान बिन तलाल है। सलमान, सुल्तान बिन सलमान सऊदी अरब से शहजादा है, जब आप दुरुस्त मानते हैं तशरीफ ले आए। वाइटल ब्यूटी सोप के ये दोनों तोहफे आपके साथ जी, ये एक लिफाफा, इसमें कैश है और फूल। बिस्मिल्लाह। तोहफा आया है दीवान फूड्स की तरफ से, कहते हैं कि लाइफ विद स्पाइस, दीवान फूड्स। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दीनार, दिरहम, बकरियां या ऊंट विरसे में छोड़े थे? विरसे में कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। उन्होंने विरसे में कुछ नहीं छोड़ा, जवाब दुरुस्त है, तशरीफ ले आए। आप आए हैं, आप ये दीवान फूड्स के दोनों तोहफे आपके लिए हैं। बिस्मिल्लाह। ये तोहफा उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने ये वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है, ये उस जोड़े के लिए है जो नया नवीला जोड़ा हो। ये अहबाब तशरीफ लाए हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं कि कब ये खुशगवार हादसा हुआ था, तो जो नया नया जख्मी हुआ उसको इनाम मिल जाएगा जी। 14 अप्रैल 2017। 14 जनवरी 2017। यही 5 नवंबर है मेरी, यही 5 नवंबर है। आज 5, 16 अप्रैल 2017 जी। 5 नवंबर 2017 वाले आ जाएं जी, आप बीबी इधर आ जाएं, आप साहब इधर आ जाएं। लाइए पहले तो सबूत दीजिए ना, निकाह नामा तो दे। नामा किसी वजह से ना रह गया था, किसी वजह से रह गया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपना कानून नहीं तोड़ सकता ना जी। दूसरा नंबर किन के? आप जी अपनी जगह जी, जी। आप इधर आ जाए। लीजिए जी, इसको तो आप संभालें, ये बल्कि
आपके काम की चीज है, इन मर्दों का कुछ पता नहीं होता, मैं आपको बताऊं। दोनों तशरीफ लाए, आपने अच्छा किया कि ये अपने साथ ले आई। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने इसमें जो तोहफा भेजा है वो वॉशिंग मशीन का है, ये आपको मुबारक हो जी। जिस तरह फिल्मों में हीरो हीरोइन को फूल पेश करता है एक घुटना टिका के, उस तरह आपने फूल पेश कर दिया। प्रोग्राम खत्म हो तो अब ये आपकी अमानत है, लेकर जाइएगा जी। बिस्मिल्लाह जी। कुछ वक्त मुसीकी के लिए वक्त किया जाता है। आज हमारे मेहमान हैं सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी कहते हैं कम खर्च और उजली धुलाई के लिए तमाम साबुनों और पाउडरों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। इस्तकबाल कीजिएगा हुमैरा अरशद। मैं हमेशा तारिक अजीज साहब के शो में आके बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तारिक अजीज साहब जो हैं उनकी उनके साथ बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें हैं, हमारी भी इनके साथ बचपन की यादें हैं, और अल्लाह करे कि यही इसी तरह तारिक अजीज शो जो है वो होता रहे। और माशाल्लाह से जिस तरह दिल से उन्होंने मेहनत की है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने तब ये काम किया है जब किसी की सोच में नहीं था। आज सारे चैनल्स जो हैं और सारे जो होस्ट हैं वो आज इनकी नकल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी की नकल नहीं की, और माशाल्लाह से उनकी अपनी एक सोच है। सर हमेशा मुझे, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा मुझे बुलाते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से भी मेरे रिस्पेक्ट के लिए सर की मेरी तरफ से एक क्लैप। चलांगी पक्कियां ते बड़ा कुछ कहन की आखियां।
कथा मर जानिया वे कथा मर जानिया हाय हाय जदो होली गई लेने मेरा ना सोप की, उन्होंने आपके लिए फूलों का तोहफा और ये साथ एक लिफाफा भेजा है। जी किस्मत का खेल है और ये वाइटल ब्यूटी सोप ने भेजा। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। पहली मेहमान हुमा साहिबा तशरीफ ले आए। ये जो सुर्ख लकीर है ये खतरनाक है, इसके अगर आ गया तो ये मनफी होंगे जी नंबर, और बाकी जहां कुछ नहीं है इसके 100 नंबर हैं। बाकी ओपन आपके सामने लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह, आपके पास 2 चांस हैं। सत्तर, इकतीस, सौ, 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 इकतीस, सत्तर, जी 70 जी। दूसरा चांस जी, इकतीस, सत्तर, जी फिर 70 है जी, तो 40 नंबर आपने हासिल किए जी। सत्तर जी, एक दूसरा चांस आपका, 35 थी, 35। पैंतीस, 35 दूसरा चांस जी। फिर 35 जी, चौथे मेहमान, 70, 31, 31, 70 जी, 70। अठारह, सौ, इकतीस, सत्तर। खेल में हुमा आपने 140 नंबर हासिल किए हैं।
आमना आपने 105 नंबर हासिल किए हैं, जैनब आपने 70 नंबर हासिल किए हैं और इकरा आपने भी 140 नंबर हासिल किए हैं। रूमा और इकरा आप दोनों ने 140 नंबर हासिल किए हैं, तो वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से आप लोगों के लिए कैश प्राइज है और आमना और जैनब आप लोगों के लिए फ्लावर्स हैं। थैंक यू सो मच। जी एल्सोवीना का मरहला है और मुझे दो मेहमान चाहिए, एक तो आज फाइनल है उसका, मुनीबा साहबा, और दूसरी मेहमान वो तशरीफ नहीं लाई, तो आप में से जो पढ़ा लिखा सवाल जवाब करना चाहे वो इसका मुकाबला करके इनाम बड़ा जीत सकता है, फ्रिज है तोहफा। जी आप दोनों मेहमान एल्सोवीना के मेहमान बनते हैं। एल्सोवीना अपना पैगाम देते हैं कि कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा मेदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए लासानी का एल्सोवीना सफूफ और सीरप में भी दस्तियाब। फाइनल जीतने वाले के लिए फ्रिज का इनाम, जो भी आप दोनों में से जीतेगा फ्रिज का इनाम उसको मिलेगा। रमजान साहब आपसे मेरा पहला सवाल है, पाकिस्तान के उस मुसव्विर का नाम बताइए जिनका बनाया हुआ कायदे आजम का पोर्ट्रेट कौमी असेंबली में आवेजा है। चुगताई? नहीं, चुगताई तो नहीं जी। जी चैलेंज नहीं। उस मुसव्विर का नाम है जी जनाब सईद अख्तर। आपकी बारी है जी। कुरान पाक का पहला तर्जमा किस जबान में हुआ? फारसी। चैलेंज। कुरान पाक का पहला तर्जमा लातीनी जबान में हुआ जी। आपकी बारी है जी। इन्फेंट्री एक फौजी इस्तिलाह है, इन्फेंट्री इससे क्या मुराद ली जाती है? इन्फेंट्री असले की ये खेप पहुंचाते हैं। चैलेंज। सर आर्मी में जो वेपन्स हथियार इस्तेमाल होते हैं ना, उन हथियारों के मतलब जो यूज करते हैं उनकी है ये। इन्फेंट्री से मुराद पैदल फौज ली जाती है जी। अक्वामे मुत्तहदा में सबसे लंबी तकरीर करने का रिकॉर्ड किसका है और कितना? शेख इस्लाम जी। नहीं जी। अक्वामे मुत्तहदा में सबसे लंबी तकरीर फिदेल कास्त्रो की है जी, जो क्यूबा का प्रेसिडेंट था, और उसकी तकरीर है 4 घंटे 29 मिनट उसने तकरीर की थी, और ये 26/9/60 का वाकया है जी। हम दूर दराज मकाम के लिए टंबकटू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, टंबकटू असल में है क्या या महज एक फर्जी नाम है? टंबकटू एक जगह का नाम है। अफ्रीका में सहराए आजम के जनूबी किनारे पर माली का एक अहम कारोबारी शहर है। ये जवाब दुरुस्त है जी आपका। आपकी बारी है जी। कराची में पानी कम दर्जा हरारत पर उबलेगा या मरी में? कराची में। आपने फरमाया कराची में जी, ये मरी में उबलेगा क्योंकि वहां का हवाई दबाव कम होता है, तो 100 से कम टेम्परेचर पर पानी बॉयल करना शुरू कर देता है। जवाब दुरुस्त है जी। आप ही की बारी है। पौधों की जड़ें सब्ज क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जवाब दुरुस्त है जी। आपने 4 सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो इसलिए आज का प्रोग्राम आपने जीत लिया और ये फ्रिज आपके साथ जाएगा। तो हम कैश प्राइज आपको दे रहे हैं और ये बोतलें शरबत की
एल्सोवीना की आपके साथ जाएंगी। है बैतबाजी का और ये टीमें हैं टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मोहे अपने ही रंग में रंग दे तू आज, मोहे अपने ही रंग में रंग दे ऐसा मोहे रंग दे तू खास, मोहे अपने ही रंग में रंग दे तू आज। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। और लासानी तूत स्याह प्लस मलटी की कहते हैं कि टॉन्सल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें। मानी का असल तूत स्याह प्लस मलटी, सिर्फ तूत स्याह नहीं बल्कि लासानी तूत स्याह प्लस मलटी। इन दोनों टीमों के दरमियान यानी मास्टर की टीम और लासानी की टीम के दरमियान मुकाबला है। पहला शेर मैं दे देता हूँ, उसके बाद आपकी बारी होगी। बज्म की बज्म चूर है साकी, बात कोई जरूर है साकी, तेरी आंखों को कर दिया सजदा, मेरा पहला कसूर है साकी। पीने वालों को भी नहीं मालूम मैं कदा कितनी दूर है साकी, तेरी तौकीर घट नहीं सकती, तू हमारा गुरूर है साकी, तू हमारा गुरूर है साकी। ये यही बहुत है, दिल उसे ढूंढ लाया है, किसी के साथ सही वो नजर तो आया है, नजर तो आया है। ये यूं तो हम लोग बुलाने पे भी कम बोलते हैं, पर जहां कोई नहीं बोलता हम बोलते हैं। है नून निकल के गांव से ताजा हवाएं भूल जाते हो, बड़े कम जर्फ हो माँ की दुआएं भूल जाते हो, तेरी मांग सितारों से भर भी सकता था, वो शख्स ऐसा था और ऐसा कर भी सकता था। अलिफ आंखों की तिश्नगी को बुझाने का शुक्रिया, लेकिन तेरा जमाल तो बिनाई ले गया। अलिफ इतना बिखराव सिमटने में कहां आता है, घर की हर चीज को आदत है तेरे हाथों की। ये रात पहले हिजर के ख्वाबों की रात है, किस्सा तमाम करना है सोना नहीं है आज। जी नहीं मुझको नहीं दिल में उतरना आता, मेरे एक दोस्त को ये जादूगरी आती है। ये सोजे दरूं ये अश्के रवां, ये काविशे हस्ती क्या कहिए, मरते हैं कि कुछ दिन जी लें हम, जीते हैं कि आखिर मरना है। ये यहां लाले फुसूं साज ने बातों में लगाया, दे पे चुधर जुल्फ उड़ा ले गई दिल को। वाओ वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया, दिले बेताब कयामत ना उठा दी तूने। ये बेरुखी ये अदाए सितम भी पूछेंगे, हमारी उम्र के हो लो तो हम भी पूछेंगे। ये भी एक मुसीबत है जो रात गए तक चलती है, अपने आप से बातें करके अपने आप से डर जाना। इससे आगे का जो रास्ता है वहाँ नफरत है, हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए हैं। हम मोहब्बत में बहुत दूर निकल आए हैं। नून निकल के आंख से लफ्जों में आने लगते हैं, मियां ये अश्क हैं यूं ही ठिकाने लगते हैं। नू नहीं के तेरे इशारे नहीं समझता मैं, समझ तो लेता हूँ सारे नहीं समझता मैं।
नामा बर हाल मेरा उनसे जुबानी कहना खतना देना कि वो औरों को दिखा देते हैं। नजर में लाता हूँ उस चश्मे नीम बाज को मैं और अपने आप को बीमार करने लगता हूँ। नजर नजर से अगर तुम ना गुफ्तगू करते तमाम मैकदे वाले सबू सबू करते। ये शहर छीन लेता है नक्शो निगार तक आता हूँ रोज घर में निशानी बता के मैं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आंखों में था यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। न था कुछ तो खुदा था कुछ ना होता तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता। ए मुसफी जिस रोज वो बुत सैर को आया खुल जाएंगी बुत खाने में असनाम की आंखें। नया नया हूँ अभी हालते जुदाई में पलट पलट के तेरी समत देखता हूँ अभी। ये मेरा दिल कोई वहशत ज़दा जजीरा है यहाँ उतरते हुए लोग रोने लगते हैं। न तैरने के हुनर से वाकिफ नाम है पुख्ता सफीने वाले तेरी शिफात के आसरे पर रवां दवा हैं मदीने वाले। ये सच है चंद लम्हों के लिए बिस्मिल तड़पता है फिर उसके बाद सारी जिंदगी कातिल तड़पता है। ये झांक लेती है अंदर से आरजू खाना हवा का कद मेरी दीवार से ज्यादा है। ये या तो जो नाफहम हैं वो बोलते हैं इन दिनों या जिन्हें खामोश रहने की सजा मालूम है। बस जी मास्टर पेंट्स की टीम टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की टीम और लासानी तूत स्या प्लस मलटी टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला आपके सामने हुआ अच्छे खूबसूरत और अच्छी सतह के अशार भी सुनने में आए और यूं सतही से शेर भी वो भी दोनों टीमों ने सुनाए। मुझे आज फैसला करना था तो मेरे नज़दीक दोनों टीमें आज बराबर हैं इनको अगले हफ्ते फिर आपस में टकराना होगा। जी मास्टर पेंट्स के तोहफे फूल और ये कैश का लिफाफा और आप लासानी के मेहमान थे फूलों के तोहफे और उनके ये इनाम और कैश के लिफाफे आपको मुबारक हों। म्यूजिकल चेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए इनामात तासानियर के महजिल कहते हैं कि वजन घटाएं सेहत पाएं। पानी का अर्क महजल वजन घटाएं सेहत पाएं मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। कुर्सियों को हाथ नहीं लगाना किसी को धक्का नहीं देना बस जब सांस बजना बंद हो जाए तो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करनी है। 1 2 GO
गो। आपके लिए, आप फर्स्ट आई हैं, बैठें, और ये लासानी के तोहफे भी आपके साथ, आप सेकंड हैं, आपके लिए ये लिफाफा है, और आप थर्ड हैं, आपके लिए भी कैश लिफाफे। अपने अपने कार्ड्स निकाल लें, मैं पूरा अंदाजी करूंगा, जिसका भी कार्ड निकल आया उसको इनाम मिल जाएगा जी। चार सौ सतहत्तर, चार सौ अठहत्तर, सात सौ तिरसठ, सात सौ चौसठ, वाइटल चाय के तोहफे, इसमें कैश है, ये फूल आपके साथ जाएंगे, वाइटल की तरफ से ये कैश और ये फूल आपको मुबारक हो। ख्वातीन हज़रात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले बुध को फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज, वतन अजीज़ को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।